इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि विनी द पूह कार्टून लिखने वाला एलन अलेक्जेंडर मिले अपने घर के सहन में है और लेडी से लेटर रिसीव करता है। लेटर को देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। एलन एक राइटर है, उसने बहुत सारे पोएम्स और ड्रामास लिखे हैं। अब 1941 का वक्त है। फिर सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में। 1916 का वक्त है और तब एलन आर्मी का हिस्सा था। वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था और वो जंग लड़ रहा था। एलन के लिए वक्त बहुत तकलीफ देने वाला था। काफी साल गुजरने के बाद भी वो इस वक्त को नहीं भूल सका। जंग खत्म होने के बाद वो अपनी वाइफ डेफनी के पास आता है। वो एलन का इंतजार कर रही थी। दोनों के लिए टाइम बहुत मुश्किल था। दोनों फिर से साथ जिंदगी गुजारने लगते हैं। एलन एज अ राइटर अपना काम शुरू कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद उनके घर एक बेटा पैदा होता है। एलन तो खुश होता है, लेकिन उसकी वाइफ इस बच्चे से खुश नहीं होती। वो चाहती थी कि उनके घर बेटी हो, क्योंकि अगर बेटा हुआ तो वो भी एलन की तरह जंग पर चला जाएगा और उसे इंतजार करना पड़ेगा। वो बहुत रोती है। इस बच्चे का नाम वो क्रिस्टोफर रॉबिन रखते हैं। डेफनी अपने बेटे का ख्याल नहीं रखती। फिर वो अपने बच्चे के लिए एक नैनी रखते हैं, उसका नाम ओलिव है। नैनी क्रिस्टोफर से बहुत प्यार करती है, उसका ख्याल रखती है। एलन और डेफनी दोनों अपने बच्चे को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, पार्टीज और इवेंट्स में बिजी रहते हैं। अब एलन 3 साल का हो गया है। इन 3 सालों में ओलिव ने उसे सगी माँ की तरह पाला है। एलन अब ड्रामास लिख लिख कर बोर हो चुका है। वो इंग्लैंड के कंट्री साइड में जाता है अपनी फैमिली को लेकर, ताकि कुछ नया लिख सके। यहाँ बहुत ज्यादा घना जंगल है। क्रिस्टोफर को उसकी माँ कुछ एनिमल टॉयज देती है, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। ये एक टाइगर, बेयर, डंकी और पिगलेट हैं। वो अपनी माँ से कहता है कि ये मेरे पास जो टाइगर है इसका क्या नाम है। वो कहती है कि इसका नाम एडवर्ड है। उन्हीं जगह पर शिफ्ट हुए काफी दिन गुजर जाते हैं और एक दिन एलन जंगल की तरफ निकल पड़ता है। क्रिस्टोफर भी इसके पीछे पीछे आता है। एलन जब उसे देखता है तो कहता है कि वापस घर जाओ। वो कहता है कि क्या मैं वापस घर चला जाऊं, और फिर वो उसे कहता है कि नहीं, मेरे साथ चलो। वो अपने डैड से कहता है कि मेरे पास जो डंकी है आप उसका नाम बताएं। वो कहता है कि इसका नाम ईओ है। जब वो थोड़ा आगे जाते हैं तो शहद की मक्खियों की आवाज़ सुनकर एलन फील्ड हो जाता है। उसे जंग का वक्त याद आ जाता है। क्रिस्टोफर उसे कहता है कि डैड, डरने की कोई बात नहीं है, ये तो शहद की मक्खियाँ हैं, शहद इकट्ठा करके वापस चली जाएंगी। ये सुनकर एलन रिलैक्स हो जाता है। एलन की वाइफ उसे कहती है कि तुम लिखना क्यों नहीं शुरू करते, यहाँ तो तुम लिखने के लिए आए थे। जंग के बाद लोग परेशान हैं, तुम जंग के खिलाफ बुक लिखो और लोगों की जिंदगियों में रंग भरो। वो उसे ये भी कहती है कि तुम्हें झेलना मुश्किल है, इसलिए मैं लंदन जा रही हूँ। वो पूछता है कि वापस कब आओगी। वो उसे कहती है कि जब तुम लिखना शुरू करोगे। नैनी कहती है कि मैं और क्रिस्टोफर भी लंदन जाना चाहते हैं, ताकि क्रिस्टोफर को जू दिखा सके। अब वो तीनों लंदन जाते हैं और फिर वो जू देखने जाते हैं। क्रिस्टोफर वहाँ एक बेर देखता है और पूछता है कि इसका क्या नाम है। ओलिव उसे कहती है इसका नाम विनी है, और सिपाहियों ने इसकी माँ को मार दिया और ये यहाँ पे अकेला रहता है। अब ओलिव और क्रिस्टोफर वापस आ जाते हैं और डेफनी वहीं लंदन में है। वापस आने के बाद नैनी को 3 दिन के लिए वापस जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। कुक भी छुट्टी पर जा चुका है। अब क्रिस्टोफर और एलन दोनों घर पर अकेले हैं। नैनी के जाने से क्रिस्टोफर उदास हो जाता है, क्योंकि उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एलन अकेला बैठा कुछ लिख रहा है। क्रिस्टोफर इसके पास आता और कहता है कि आप जंग के अगेंस्ट बुक लिख रहे हैं, ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर आप मेरे लिए भी कुछ लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर एलन क्रिस्टोफर को जंगल की तरफ ले जाता है। क्रिस्टोफर अपने डैड को बताता है कि हमने जू में एक बेर देखा, उसका नाम विनी था। सिपाहियों ने उसकी माँ को मार दी और वो अकेला था। सब एनिमल्स उसे गुस्से से देखते हैं। एलन उसे कहते हैं कि जंगल में भी बेर हो सकते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर कहता है कि यहाँ बेर नहीं है, यहाँ सिर्फ शहद की मक्खियाँ हैं। फिर एलन उसे कहता है कि वो देखो दरख्त के ऊपर बेर है, ये कहाँ से आया। ये क्रिस्टोफर का बेर एडवर्ड था, दरअसल उसके डैड ने ये बेर खुद रखा था। फिर वो अपने बेटे के साथ खेल खेलते हैं। वो पहली बार उसके साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे थे, उसके साथ खेल खेल रहे थे। इसी तरह वो कहानियाँ भी लिख रहे थे जो उसी से रिलेटेड थी। क्रिस्टोफर बहुत खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर खाना बहुत ज्यादा है। एलन ने इसके एनिमल टाइज को भी साथ बिठाया है। टाइगर का नाम टिगर, बियर का नाम विनी, डंकी का नाम ईओ और पिगलेट का नाम पिगलेट रखते हैं। अब उनके पास बहुत सारी कहानियाँ हैं। शहर से एलन का एक दोस्त आता है। वो क्रिस्टोफर उसके टॉयज के स्केचेस बनाता है, ताकि कहानियों में यूज कर सकें। वो अपनी वाइफ को एक पोइम भेजता है जिसका नाम वेस्पर है, और ये विनी द पूह से रिलेटेड है। उसकी वाइफ घर वापस आती है, वो खुश होती है और एलन को बताती है कि मैंने ये पोइम पब्लिश करवा दी है और ये सबको बहुत पसंद आई है।
एलन विनी द पू पर बहुत ज्यादा मेहनत करता है और जब पहली बुक पब्लिश होती है तो सबको बहुत पसंद आती है। रातों रात वो सेलिब्रिटी बन चुका था, हर तरफ इस बुक के चर्चे थे। एलन एक अच्छा राइटर था लेकिन इस बुक ने इसका बाकी के काम को पीछे छोड़ दिया था। जब लोगों को पता चला कि क्रिस्टोफर रॉबिन रियल में एक लड़का है तो लोग उसे मिलने की ख्वाहिश करते हैं। नैनी की मदर की डेथ हो गई थी इसलिए वो काफी दिन बाद आई है। क्रिस्टोफर उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो एलन को कहती है कि मैंने अपने फ्रेंड के घर पर पोइम पढ़ी थी, बहुत अच्छी लिखी है आपने। क्रिस्टोफर अब स्टार बन चुका था, पार्टीज में जाता था, लोग उसके साथ पिक्चर्स बनाते थे, ऑटोग्राफ लेते थे, लेकिन उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो अपने डैड के साथ खेलना चाहता था, उसके डैड उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं देते थे, या तो पार्टीज में बिजी होते थे या तो लिखने में। क्रिस्टोफर अब बहुत उदास हो चुका था, नैनी से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती थी। उसे उदास क्रिस्टोफर अच्छा नहीं लगता था। क्रिस्टोफर को नैनी बहुत ज्यादा प्यार करती है, फिर नैनी को भी एल्फ्रेड से प्यार हो जाता है और उसके साथ शादी करने वाली है। क्रिस्टोफर को जब ये बात पता चलती है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके पास सिर्फ उसकी नैनी का प्यार है, वो नहीं चाहता कि नैनी उसे छोड़कर जाए। वो अपने माँ बाप को नैनी के बारे में बताता है, वो नैनी को बुलाते हैं। क्रिस्टोफर की माँ नैनी को ताना देती है कि तुम्हारी वजह से हमारा बेटा इतने दिन से परेशान था। वो उन्हें कहती है कि आप अपने बेटे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, पार्टीज अपने काम में बिजी रहते हैं, उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, सिर्फ फेम और पैसा कमाने के लिए उसे यूज कर रहे हैं। वो उन्हें कहती है कि आपको इसकी परवाह नहीं है। उसकी माँ नैनी को कहती है कि मैंने इसे पैदा किया है, क्या मुझे इसकी परवाह नहीं है। वो एलन को कहती है कि एक फादर को अपने बेटे को टाइम देना चाहिए, बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं लेकिन इस तरह कोई नहीं करता जिस तरह आप कर रहे हैं। डैफनी उसे बहुत ज्यादा डांटती है और नैनी ये जॉब छोड़कर चली जाती है। क्रिस्टोफर को छोड़कर जाना उसके लिए इतना आसान नहीं था लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता है। नैनी के जाने के बाद एलन को एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया है। उसकी खेलने कूदने की उम्र है, ना कि पार्टीज में जाने की और ऑटोग्राफ की। वो क्रिस्टोफर को कहते हैं कि अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम अपनी जिंदगी में आजाद हो, जो चाहो कर सकते हो। वो उसे ये भी कहते हैं कि मैं कभी भी विनी द पू और क्रिस्टोफर रॉबिन के बारे में एक लाइन भी नहीं लिखूंगा। ये सुनकर क्रिस्टोफर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उसे एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। वहाँ के बच्चे उसे विनी द पू बुक की वजह से बहुत तंग करते हैं। वक्त गुजरता जाता है और क्रिस्टोफर अब बड़ा हो चुका है। वर्ल्ड वॉर टू का वक्त आ चुका है। क्रिस्टोफर को आर्मी में जाने का बहुत शौक है लेकिन मेडिकल में फेल होने की वजह से वो आर्मी में नहीं जा सका। वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। अपने फादर को कहता है कि मुझे पता है कि आप मुझे आर्मी में भर्ती करवा सकते हैं क्योंकि लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ये सब मेरी वजह से हुआ। ना चाहते हुए भी एलन उसे आर्मी में भर्ती करवा देता है। वॉर में जाने से पहले वो अपने फादर को कहते हैं कि विनी द पू, बेयर ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। पहले हम जंगल में घूमते थे, खेलते थे, फिर आपने विनी द पू के बारे में लिखा और सब खत्म हो गया, आप बदल गए। एलन कहता है कि जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने लिखना बंद कर दिया, मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। क्रिस्टोफर कहता है कि फिर आपने उन्हें बेच दिया। वो उसे कहता है कि तुमने खुद ही तो कहा था कि मेरे बारे में किताब लिखो। अपने फादर को कहता है कि मैंने ये कहा था कि मेरे लिए किताब लिखो, ना कि मेरे बारे में। फिर वो ट्रेन में बैठकर जंग के लिए चला जाता है। अब सीन आता है प्रेजेंट में। एलन वो लेटर खोलता है जो उसे रिसीव हुआ है। लेटर में लिखा होता है कि आपका बेटा मिसिंग है, जंग में मारा गया है। एलन और उसकी वाइफ बहुत रोते हैं। एलन नैनी के पास जाता है। वो बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि वो क्रिस्टोफर को अपने बच्चों की तरह प्यार करती है। एक रात एलन अपने घर के सहन में बैठा होता है तभी उसे दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। जब वो देखता है तो उसका अपना बेटा बिली मून है। वो उसे प्यार से बिली मून बुलाते थे। वो अपने फादर से हाथ मिलाता है। एलन उसे कहता है कि क्या तुम सच में जिंदा हो। वो कहता है कि हाँ। तभी उसकी माँ भी आ जाती है। वो क्रिस्टोफर को गले लगाकर बहुत रोती है। नैनी को जब ये पता चलता है कि क्रिस्टोफर जिंदा है तो वो उसे मिलने आती है। वो बहुत रोती है। क्रिस्टोफर अपने डैड को बताता है एक दिन हम रेगिस्तान में थे और फायरिंग हो रही थी। एक आदमी विनी द पू गाना गाने लगा। वो उसे उसके बचपन में ले गया। वो अपने घर को याद करने लगा। ये सब आपकी वजह से हुआ लेकिन ये गाना सबसे पहले मेरा था। एलन कहता है कि फिर मैंने इसे बेच दिया। अपने फादर को कहता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों की उम्मीद टूट गई थी, आपने उन्हें बचपन याद करवा कर खुशी दी। ये कहानियां, जंगल पौन, ये सबसे पहले हमारा था। वो उसे कहती है कि और हमेशा हमारा ही रहेगा। अब इन दोनों के दरमियान सालों के गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। एलन ने लिखना बंद कर दिया था लेकिन विनी द पू की शोहरत बढ़ती गई। एलन ने इन बुक्स का एक रुपया भी अपने पास नहीं रखा और खुशहाल जिंदगी गुजारी। नैनी क्रिस्टोफर की लाइफ का हिस्सा थी और हमेशा रहेगी। आज भी न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी में क्रिस्टोफर के टॉयज रखे हुए हैं।
और ये बच्चों की आज तक की सबसे पसंदीदा किताब मानी गई है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें।